इरफान खान के एक ट्वीट ने उनके सभी फैंस को चिंतित कर दिया है कि ऐसी कौन सी रेयर डिजीज हो गई है इरफान को। लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्ट से ही पता चला है कि इरफान को ब्रेन कैंसर हुआ है और अब वो कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट है। इरफान को ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफोम यानी GBM ग्रेड 4 है और ये एक जानलेवा ब्रेन कैंसर की बीमारी है। इस खबर के सामने आते ही इरफान के फैंस का पसीना छूट गया। उन्हें ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि इरफान को इतनी खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया है। वेल, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें खुद इरफान ही बता सकते हैं। लेकिन वहीं इरफान खान के करीबी दोस्त और मशहूर ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाटा ने इस खबर को गलत बताया है। कोमल नहाटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि ये सच बात है कि इरफान अस्वस्थ हैं, लेकिन इनकी बीमारी को लेकर जो भी गलत बातें हो रही हैं वो सरासर झूठ है। उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर भी सरासर गलत है। इरफान इस वक्त दिल्ली में है और काफी ठीक है। इरफान खान ने 5 मार्च को अपने ट्विटर अकाउंट से बताया था कि उनको किसी रेयर डिजीज ने जकड़ लिया है और वो करीब 15 दिनों से बीमार है। लेकिन कोमल नहाटा के इस ट्वीट को पढ़कर अब इरफान के फैंस जरूर राहत की सांस ले सकते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर। इरफान खान के एक ट्वीट ने उनके सभी फैंस को चिंतित कर दिया है कि ऐसी कौन सी रेयर डिजीज हो गई है इरफान को। लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्ट से ही पता चला है कि इरफान को ब्रेन कैंसर हुआ है और अब वो कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट है। इरफान को ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफोम यानी GBM ग्रेड 4 है और ये एक जानलेवा ब्रेन कैंसर की बीमारी है। इस खबर के सामने आते ही इरफान के फैंस का पसीना छूट गया। उन्हें ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि इरफान को इतनी खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया है। वेल, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें खुद इरफान ही बता सकते हैं। लेकिन वहीं इरफान खान के करीबी दोस्त और मशहूर ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाटा ने इस खबर को गलत बताया है। कोमल नहाटा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि ये सच बात है कि इरफान अस्वस्थ हैं, लेकिन इनकी बीमारी को लेकर जो भी गलत बातें हो रही हैं वो सरासर झूठ है। उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर भी सरासर गलत है। इरफान इस वक्त दिल्ली में है और काफी ठीक है। इरफान खान ने 5 मार्च को अपने ट्विटर अकाउंट से बताया था कि उनको किसी रेयर डिजीज ने जकड़ लिया है और वो करीब 15 दिनों से बीमार है। लेकिन कोमल नहाटा के इस ट्वीट को पढ़कर अब इरफान के फैंस जरूर राहत की सांस ले सकते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर।